दुनिया के 10 ऐसे देश जहाँ खुलेआम होता है ये धंधा। दोस्तों, जिंदगी का असली मजा तो अंधेरी रातों में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में ही आता है, और शायद ही आप में से ऐसा कोई होगा जिसे पार्टी करना पसंद ना हो। दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ की नाइट लाइफ पार्टी करने वालों के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार है, और आज आपको हम दुनिया के टॉप 10 देशों की नाइट लाइफ के बारे में बताएंगे जहाँ जाकर आप अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्पेन। आपने अक्सर बैचलर्स को अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए थाईलैंड जाने की बात करते हुए कभी ना कभी तो सुना ही होगा, लेकिन स्पेन के सामने थाईलैंड कुछ भी नहीं है। दोस्तों, स्पेन पूरी दुनिया में अपनी नाइट लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है। स्पेन के शहर बार्सिलोना और मैड्रिड अपनी नाइट लाइफ के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इन शहरों में 100 से भी ज्यादा ऐसे एरिया हैं जो पूरी तरह से रेड लाइट एरिया कहलाते हैं, और स्पेन को इसी कारण से जिस्म फरोशी के लिए यूरोप का सबसे बदनाम देश भी माना जाता है। यहाँ लेट नाइट पार्टी, डिस्को, बुल फाइटिंग और वाइन के लिए साल भर में करोड़ों की संख्या में लोग स्पेन घूमने के लिए आते हैं। यहाँ के पब और क्लब लोगों को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। नंबर 2, फ्रांस। अपने टूरिज्म के लिए दुनिया भर में मशहूर फ्रांस अपनी नाइट लाइफ के लिए भी बहुत ही ज्यादा मशहूर है। यहाँ आपको नाइट लाइफ का एक अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। खासकर फ्रांस का पेरिस शहर इस चीज के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। यहाँ पर आपको शानदार खाना, थिएटर और काफी अच्छे क्लब मिलते हैं जहाँ आप इंजॉय कर सकते हैं। पेरिस को दुनिया के रोमांटिक सिटी में गिना जाता है। एफिल टावर के लिए मशहूर पेरिस रेड लाइट एरिया के लिए भी काफी ज्यादा बदनाम है। पेरिस के रेड लाइट एरिया को पिगले कहा जाता है, जो कि 19वीं शताब्दी से पेरिस में मौजूद है और आज भी वहाँ जिस्म फरोशी का काम किया जाता है। नंबर 3, यूनाइटेड स्टेट। दोस्तों, फॉरेन कंट्रीज अक्सर ही काफी ज्यादा मॉडर्न होती है, और यहाँ आपको किसी भी चीज के लिए रोक टोक नहीं होती, और इसका सबसे ज्यादा फायदा नाइट आउट और पार्टी करने वालों को होता है। यूएस के न्यूयॉर्क, लॉस वेगस और मियामी शहर नाइट लाइफ के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं। यहाँ आपको कसीनो और बार की कोई कमी महसूस नहीं होगी। लॉस वेगस अपने कसीनो और नाइट शो के लिए काफी ज्यादा फेमस है, और वहीं न्यूयॉर्क अपने डाइवर्स एंटरटेनमेंट ऑप्शन के कारण जाना जाता है। यूनाइटेड स्टेट में 10 से भी ज्यादा ऐसी जगह जो रेड लाइट एरिया के लिए फेमस है। इनमें सबसे ज्यादा फेमस स्टोरी विले, डोलोरोसा, वेस्ट मार्केट स्ट्रीट, नॉर्दर्न लिबर्टीज और थिएटर डिस्ट्रिक्ट है। नंबर 4, इटली। इटली के रोम, मिलन और फ्लोरेंस शहर अपने नाइट लाइफ के साथ ही अपने आर्ट और कल्चर के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। रोम के टर्मिनल स्टेशन के आसपास का एरिया और कैवर प्रिंसिपल अमेडो की गलियां प्रोस्टिट्यूशन के लिए जानी जाती है। मिलन शहर में ब्रेडा, सम्मर्टिनी और लैम्ब्रोसा के कुछ हिस्सों में प्रोस्टिट्यूशन का काम किया जाता है, और यहाँ रेड लाइट एरिया भी काफी ज्यादा है। नंबर 6, चाइना। दुनिया भर में चीन फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में से एक है। चीन के शहर शंघाई और बीजिंग में आपको क्लब्स, बार और रेस्टोरेंट भरपूर मात्रा में मिलते हैं। नाइट लाइफ के लिए ये शहर भी काफी ज्यादा फेमस है। मॉडर्न फैसिलिटी से लेस कैसीनो, बार, रेस्टोरेंट दुनिया भर के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। चीन में प्रोस्टिट्यूशन का काम भी बहुत ज्यादा किया जाता है। चीन के अधिकतर मसाज स्ट्रीट अक्सर रेड लाइट एरिया ही होते हैं। चीन में रेड लाइट एरिया को वेनहाई के नाम से जाना जाता है। काफी सारे टूरिस्ट इन एरियाज के बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। चीन में आपको शंघाई और बीजिंग में काफी ज्यादा रेड लाइट एरिया मिल जाएंगे। नंबर 6, यूनाइटेड किंगडम। यूके का लंदन शहर दुनिया भर के लोगों को अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लब्स, रेस्टोरेंट, कैसीनो और बार के कारण अट्रैक्ट करता है। यहाँ आपको डिफरेंट ट्रेडिशन का खाना भी सर्व किया जाता है। वैसे तो यूके में भी बहुत सारे रेड लाइट एरिया मौजूद है, और यूके गवर्नमेंट ने लीड्स में मौजूद रेड लाइट एरिया को लीगल भी घोषित किया है। मैनचेस्टर में चीतम हिल्स भी प्रोस्टिट्यूशन के लिए जाना जाता है। नंबर 7, जर्मनी। जर्मनी के बर्लिन शहर में आपको 24 घंटे बार और कैसीनो ओपन मिल जाएंगे। ये शहर अपने टेक्नो म्यूजिक और अल्टरनेटिव नाइट लाइफ के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। जर्मनी में 400 से भी ज्यादा फेमस रेड लाइट एरिया है, और रीपर बैन हैमबर्ग शहर में मौजूद सबसे बदनाम रेड लाइट एरिया माना जाता है। यहाँ 19वीं शताब्दी से प्रोस्टिट्यूशन का काम हो रहा है। नंबर 8, मैक्सिको। मैक्सिको सिटी वाइल्ड डांस, बीच पार्टी और नाइट लाइफ के लिए यंगस्टर के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है, और यहाँ काफी ज्यादा संख्या में लोग भी आते हैं। यहाँ का म्यूजिक भी लोगों को काफी पसंद आता है। मैक्सिको का लूटो वर्डलाटो शहर पार्टी और नाइट लाइफ के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है। अगर हम मैक्सिको में रेड लाइट एरिया की बात करें तो यहाँ पर जोना रोजा और रिफार्मा प्रोस्टिट्यूशन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। दिन में तो ये गलियां खचाखच व्यापारियों से भरी होती है, लेकिन यहाँ रात का नजारा कुछ और ही होता है। नंबर 9, रशिया। रूस में नाइट लाइफ काफी ज्यादा ग्लैमरस होती है। यहाँ पर आपको बार, होटल के साथ ही अंडरग्राउंड भी मिलते हैं। रूस के शहर मैक्सिको और सेंट पीटर्सबर्ग अपनी नाइट लाइफ के लिए जाने जाते हैं। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में प्रोस्टिट्यूशन का काम भी काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है, और यहाँ काफी ज्यादा संख्या में रेड लाइट एरिया भी है। मॉस्को के किटे गोराड एरिया के आसपास आपको एरिया देखने को मिल जाएगा। नंबर 10, कनाडा। नाइट लाइफ का मजा उठाने के लिए कनाडा भी एक बहुत ही बढ़िया जगह है। कनाडा में आपको लेजर शो, वेरियस एंटरटेनमेंट, पब, रेस्टोरेंट, क्लब्स और कैसीनो मिल जाते हैं जहां आप जी भर कर पार्टी और एंजॉय कर सकते हैं। कनाडा के टोरंटो और मॉन्ट्रियल शहर अपने म्यूजिक और पब्स के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। टोरंटो में आपको अलग अलग प्रकार के एंटरटेनमेंट ऑप्शन और काफी बढ़िया म्यूजिक मिलता है। कनाडा का मॉन्ट्रियल अपनी नाइट लाइफ के लिए काफी ज्यादा मशहूर है, और उतना ही मशहूर रेड लाइट एरिया के लिए भी है जहां प्रोस्टिट्यूशन का काम किया जाता है। यहां आपको काफी सस्ते बार भी मिल जाते हैं। नंबर 11, इंडिया। दुनिया भर में इंडिया सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी से भरा हुआ देश है, और यहां की नाइट लाइफ भी उतनी ज्यादा डाइवर्स है।
है। इंडिया के मेट्रो शहर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता अपनी नाइट लाइफ के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। मुंबई का ताज होटल, दिल्ली का कनॉट प्लेस और भी कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पर यंगस्टर अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और नाइट लाइफ का मजा लेते हैं। दोस्तों, इंडिया में 6 लाख से भी ज्यादा सेक्स वर्कर काम करते हैं। आपको इंडिया के हर शहर में कहीं ना कहीं रेड लाइट एरिया जरूर मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल का सोनागाछी, जो कि कोलकाता में मौजूद है, भारत का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा सेक्स वर्कर काम करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है मुंबई का कमाठीपुरा, इसके बाद पुणे का बुधवारपेट, उत्तर प्रदेश में मीरगंज और दिल्ली में जीबी रोड सबसे ज्यादा फेमस रेड लाइट एरिया है। नंबर 12 बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश अपनी नाइट लाइफ और पार्टी के लिए दुनिया में उतना ज्यादा तो फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी ये रेड लाइट एरिया के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। बांग्लादेश में प्रोस्टिट्यूशन को लीगल माना जाता है और पूरी दुनिया में प्रोस्टिट्यूशन के लिए बांग्लादेश काफी ज्यादा बदनाम भी है। बांग्लादेश का कांडापारा यहाँ का सबसे बड़ा वैश्यालय माना जाता है, जो 200 साल से भी पुराना है। नंबर 13 नेपाल। दोस्तों, नेपाल अपनी नाइट लाइफ के लिए उतना ज्यादा मशहूर तो नहीं जितना बाकी फॉरेन कंट्रीज है, फिर भी यहाँ का डांस और म्यूजिक काफी ज्यादा फेमस है और यहाँ का कल्चर भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। नेपाल का काठमांडू और थमेल नाइट लाइफ और पार्टी के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। यहाँ के कई सारे क्लब और बार में लड़कियों को फ्री एंट्री भी दी जाती है। नेपाल में पुरुषों को शराब पीने की छूट है और महिलाओं को कुछ लिमिट्स के साथ शराब पीने की छूट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल देश में लड़कियों की स्मगलिंग भी की जाती है। नेपाल में सुंदरा, थमेल, बैंगलोंग, बस पार्क और काठमांडू में कई सारे रेड लाइट एरिया मौजूद हैं जहां प्रोस्टिट्यूशन का काम किया जाता है। दोस्तों, इन देशों की नाइट लाइफ के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और आप इन कंट्रीज में से कौन सी कंट्री जाना पसंद करेंगे, कमेंट में उसका नाम जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और चैनल जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। आपके कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।